ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश भाजपा मीडिया से प्रभारी एवं पूर्व में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे नरेंद्र अत्री ने श्री साईं बाबा पब्लिक स्कूल गर्भासडा डरवाड के वार्षिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कहा कि स्कूली शिक्षा में विद्यार्थियों को बाल्यकाल से ही विभिन्न विषयों के ज्ञान के साथ साथ राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया जाना भी अति महत्वपूर्ण है, ताकि आने वाले जीवन में ये विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में अपना दायित्व जिम्मेवारी के साथ निभाने के साथ साथ राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझे। प्रदेश भाजपा मीडिया सह प्रभारी एवं पूर्व में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे नरेंद्र अत्री ने श्री साईं बाबा पब्लिक स्कूल गर्भासडा डरवाड के वार्षिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कहा कि स्कूली शिक्षा में विद्यार्थियों को बाल्यकाल से ही विभिन्न विषयों के ज्ञान के साथ साथ राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया जाना भी अति महत्वपूर्ण है, ताकि आने वाले जीवन में ये विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में अपना अपना दायित्व जिम्मेवारी के साथ निभाने के साथ साथ राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझें और उन राष्ट्र व समाज विरोधी लोगों के हाथों में न खेल सके जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए समाज पर राष्ट्र को धर्म जाति क्षेत्र के आधार पर बांटने से भी गुरेज नहीं करते। इससे पहले नरेंद्र अत्री के गर्भासडा डरवाड पहुंचने पर स्कूल प्रबंधन व स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने गर्मजोशी के साथ नरेंद्र अत्री का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नरेंद्र अत्री ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर स्कूल के प्रबंध निदेशक अरुण बिष्ट, एसएमसी के प्रधान एवं अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी कैप्टन रूपचंद, स्कूल की मुख्य अध्यापिका तारा देवी, डरवाड़ पंचायत की प्रधान लता ठाकुर, टिहरा पंचायत के प्रधान सुरेंद्र पठानिया, टिहरा पंचायत के उप प्रधान ब्रिजलाल चौहान, डरबार पंचायत के पूर्व प्रधान दान सिंह ने मुख्य अतिथि नरेंद्र अत्री को शॉल व टोपी पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य अध्यापिका तारा देवी ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। स्कूल के विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जहाँ एक तरफ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति दिखाई गई, वहीं दूसरी तरफ बेटी है अनमोल विषय पर लघु नाटिका के माध्यम से प्रकाश डाला गया। नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा मंडियाली भाषा में सामाजिक कुरीतियों पर नाटक के माध्यम से किए गए प्रहार पर मौजूद दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हुए मुख्य अतिथि नरेंद्र अत्री ने कहा कि यदि इसी तरह इन बच्चों को मंच मिलता रहेगा, सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता रहेगा, तो निश्चित तौर पर ये बच्चे आने वाले समय में अपने माता पिता के साथ साथ क्षेत्र व प्रदेश का नाम रोशन करेंगे एवं समाज व राष्ट्र में जिम्मेदारी पूर्वक अपनी भूमिका निभाते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यकता है केवल सही शिक्षा एवं संस्कारों की, जो शिक्षकों व अभिभावकों के संयुक्त प्रयास से ही संभव हो पाएगा। मुख्य अतिथि नरेंद्र अत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर रिटायर्ड बैंक मैनेजर सुशील कमर, सेवानिवृत्त डीएसपी जीत सिंह, राजेंद्र ठाकुर, माता कंचना मंदिर कमेटी के अध्यक्ष रूपलाल विष्ट, सामाजिक संस्था यश, हिमाचल के गद्दीधार क्षेत्र प्रभारी हेमराज ठाकुर, संस्था के ही अनुसूचित जाति समिति के जिला अध्यक्ष संतोष सन्नी, रिंकू चौहान, ऋतिका पठानिया, मेहर चंद सुमित सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। बाल्यकाल से ही राष्ट्रीयता का भाव भरेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले जीवन में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करने के साथ साथ ये उन लोगों के हाथ में नहीं खेल पाएंगे जो अपने निजी स्वार्थों के लिए हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर बांटते हैं। जहां एक तरफ देश के अंदर राष्ट्रीयता की पताका को लहराने के लिए बहुत लोग जीवन समर्पित करते हैं, देश को आगे ले जाने के लिए बहुत लोग प्रयासरत रहते हैं, वहीं समाज का दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से भी गुरेज नहीं करते। इनके भविष्य में भरेंगे उसी नियम पर आधारित होकर इनका भविष्य तय होगा। आने वाले समय में चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षक बने, प्रशिक्षक बने, किसान बने, जवान बने, कुछ भी बने, पर यदि इनमें मेहनत का जज्बा होगा, अनुशासन होगा, समय का ये महत्व समझेंगे तो ये हर रूप में सफल होंगे। इनकी सफलता में ही इनके माता पिता, अभिभावकों की, समाज की और राष्ट्र की सफलता है।